बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हेडपंप खराब होने से गहराया संकट, पीने के पानी के लिए भटक रहे ग्रामीण, वही पेयजल तक पैसों से खरीदने को मजबूर है। एक और ऐसे ही बालाघाट जिले के हाल जनपद पंचायत किरणापुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत के कोकना गांव के हैं, जो सभी हेडपंप पिछले कई महीने से खराब पड़े हैं, जिसके ग्रामीणों के द्वारा पीएचई विभाग के अधिकारियों से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उनके द्वारा खराब पड़े हेडपंपों को ठीक नहीं किया जा रहा है। वही हेडपंप खराब होने के कारण लोगों को पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है। वही बारिश का पानी को छत में रोककर पानी का उपयोग किया जा रहा है। गांव के नागरिकों ने बताया कि बरसात के चलते हुए पीने के पानी की परेशानी हो रही है, जिससे ग्रामीणों को गांव से 1 किलोमीटर दूर जाकर पीने का पानी ढोना पड़ रहा है। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि लगभग गांव की आबादी 1200 से 1300 है, जिसके चलते गांव में कुल 16 हेडपंप है, जिसमें से 7 से 8 हेडपंप है जो पिछले कई महीने से खराब पड़े हुए हैं, जिन्हें ठीक कराए जाने के लिए वह इस संबंध में ग्राम के प्रधान श्रीमती चंद्रभागा, भुवनपाल धुआरे, सचिव गणेश बारबूदे, सहायक रोजगार राजू ठाकरे को अवगत कराया गया, लेकिन किसी ने हेडपंप सुधारने एवं नया हेडपंप लगाने की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हेडपंप उखाड़ फेंक देने के लिए कहां जाता है, जिससे पीएचई विभाग के अधिकारियों से भी एवं सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई किसी के द्वारा भी नहीं की जा रही है। लेकिन पीएचई अधिकारियों टेक्नीशियन गजानंद एड़े के द्वारा ग्रामीणों को हेडपंप उखाड़ फेंक देने के लिए धमकाया जाता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण को कोकना से पानी भरने के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। जिसके पास साधन है वह अपने साधनों से पानी लाया करता है, पर जिसके पास साधन नहीं है तो वह लोग पानी सिर से ढो रहे हैं। लेकिन वही एक और ऐसी बुजुर्ग महिला है जो अपाहिज है, दूर से पानी लाने में असमर्थ है, इसलिए पैसों से पानी खरीद रही अपाहिज बुजुर्ग महिला एवं वही ग्रामवासियों द्वारा मजबूर होकर पैसों से पेयजल खरीद रहे हैं, जिससे पानी ढोने में ही उनका पूरा दिन बीत जाता है। इन हालातों में वह मेहनत मजदूरी करने के लिए भी नहीं जा पाते हैं, जिससे उन्हें पेयजल संकट के साथ साथ परिवार का गुजारा करने में दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। पीएचई विभाग अधिकारियों टेक्नीशियन किरणापुर गजानंद एड़े से वार्तालाप करने पर प्रेस टीम पहुंची तो सच्चाई से पीछा छुड़ाकर जानकारी देने से किया गया इनकार। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए किरणापुर से कैमरामैन विकेश मेश्राम के साथ रिपोर्टर मंजीत भिमटे की रिपोर्ट। क्या नाम है जी? कौन गाँव रहते हो? रहते हो। ये आपके सामने जो हैंडपंप है आपके घर के सामने, वार्ड नंबर कौन सा है? नौ। ये हैंडपंप चालू है क्या? चालू है। पानी आता है? पानी आता है। आप तो अभी बांधर बोल रहे थे ना? आप बांधर बोल रहे थे ना? नहीं तो वो बिगड़ गई थी, बंद है। कब से बिगड़ा है? ये फिर भी महीना हो गए। एक बार आई सुबह हार ना कहते नहीं हम उखाड़ के जाएंगे, पानी नहीं है। अब से कभी कौन बोले? एड़े पीएचई विभाग से, पीएचई वाले थे एड़े, तो आए थे तो उखाड़ के ले जाएंगे बोले। कितने, 3-4-5-6 महीने हो गए क्या बंद रहे थे? नहीं नहीं ज़्यादा। कितने महीने हो गए? वही 1.5 महीना हुई। ऐसा क्या? फिर आप लोग कहाँ से पानी लाते हो? ये बोल रहे ना सामने में दुकानदार के यहाँ, वहाँ से ले लेती हूँ। दूसरे के यहाँ से पानी लाते? दूसरे के यहाँ। देखो ना अभी तो भरी हूँ, वहाँ से देखते हैं बेचारा तो भर लेती हूँ, और नहीं देते तो बगैर पानी की रहती हूँ। नहीं देते तो बगैर पानी के रखते? हाँ। अपन
हम कहीं नहीं नाम बताते हैं, शिकायत करते हैं, हम तो उसी धरती में जाते हैं। नाम खेलन भाई सहारे। खेलन भाई सहारे कौन गा रहे थे? कौन सा वार्ड है आपका? नौ। कहाँ से लाते हो पानी? दूसरे के यहाँ से लेते हैं। हैंडपंप को क्या हुआ आपके वार्ड के? बिगड़ गया है। कब से बिगड़ा है? वो हो गए जी दो, ज़्यादा हो गए, दो तीन महीने से। तीन चार महीने से ज़्यादा हो गए। तो आपने शिकायत विकायत किए थे? अब मेम्बर को बोले जी, अब उनको बताओ करके। हाँ, सचिव सरपंच वगैरह को शिकायत किए थे? उनको तो नहीं बताया, मेम्बर लोग बताएंगे, बोले बताए कि अभी पानी कहाँ से पानी कहाँ से लाते हो? वहाँ से लेते हैं पैसे से, बोर से, बोर वाले से पैसे से लेते। कितने रुपये महीने से लेते? दो सौ रुपये। दो सौ रुपये।